माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड एंड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023 पर विचार किए जाने का मैं प्रस्ताव करता हूं। इसी के साथ ही माननीय सभापति महोदय, मैं अपने कुछ विचार भी इस संबंध में व्यक्त करना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार लगातार नए नए रिफॉर्म्स के माध्यम से राष्ट्र को सशक्त बनाने की कोशिश कर रही है और सारा देश जानता है कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने लगभग हर क्षेत्र में नई नई पहलें की हैं। पुराने अनेक कानूनों को जहां हमने समाप्त किया है, वहीं पर जहां जरूरत पड़ी है पुराने जो नियम और कानून रहे हैं उन नियम और कानूनों में हमने संशोधन भी किया है। लोकसभा में पेश किया गया इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड एंड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023 भी उसी कड़ी में एक यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल है। सभापति महोदय, यह बिल दो महत्वपूर्ण मकसदों को एक साथ पूरा करता है। यह हमारी आर्म्ड फोर्सेस के तीनों अंगों के बीच इंटीग्रेशन तथा ज्वाइंटनेस की दिशा में बढ़ाया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, जिससे वे भविष्य की चुनौतियों का एकजुट और एकीकृत तरीके से मुकाबला कर सकें। यह एक ऐसा वातावरण बनाने में निश्चित रूप से हमारी यह मदद करेगा जो हमारे इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस में अनुशासन को मजबूत करेगा। मैं इन दोनों महत्वपूर्ण पहलुओं पर माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सभापति महोदय, यह सर्वविदित है, अनुशासन यह सेना की आत्मा होती है। यह उनके चरित्र और संकल्प को भी मजबूत करता है। यह आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के साथ साथ एक यूनिट या एस्टेब्लिशमेंट के सैनिकों को एकजुट करने में भी मदद करता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।